मेरा दिया ए आए, इलाही मेरा दिया ए आए। हे गाइस, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो कुछ इस तरह से है कि कुछ दिन पहले हम गए थे हैदराबाद। जो हैदराबाद का सफ़र था हमारा, वो सफ़र था बाइक पर। तो बाइक का सफ़र था, व्लॉग बनाया था लेकिन कुछ खास नहीं बना था, इस वजह से कुछ इस तरह से आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ व्लॉग को। अच्छा, व्लॉग से पहले आज का मेरा दिन कैसे गया, तो आज भाई लिटरली बहुत ख़तरनाक दिन गुजरा मेरा। मेरा जो बेटा है उसको गाड़ियों का है बहुत ज़्यादा शौक़। अब ये मेरी लापरवाही थी या मेरा मतलब बेध्यानी थी, क्या हुआ कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। सीन ये हुआ कि सबसे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट की, दरवाज़ा खुला था, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट जब मैं करता हूँ और मैं बाहर होता हूँ तो मैं दरवाज़ा लॉक बंद नहीं करता, गेट डोर। तो ऐसा हुआ कुछ कि दरवाज़ा खुला था, मैं पीछे ट्रंक में गया स्क्रू ड्राइवर लेने के लिए, क्योंकि मेरे वाइपर का बोल्ट लूज था, तो मैं वो स्क्रू ड्राइवर ढूंढ रहा था। इतने में दरवाजा डोर बंद होने की मुझे आवाज़ आई, दरवाज़ा बंद हो गया गाड़ी का। तो मैं अचानक भागा, तो मैं जब भाग के देखा तो मेरा बेटा बाहर खड़ा था, वो अब्बास, वो जाके उसमें बैठ गया। और इतने में मैं जैसे ही डोर खोलने वाला था उसने लॉक कर दिया, शीशे बंद थे। तो मेरी हालत कुछ बहुत ख़तरनाक हुई थी। तो फिर देखें किस तरह से क्या हुआ था, तो देख लें पहले फिर बात करते हैं। अबे भाई लॉक हो गया ये अंदर, बटन नीचे कर दे, शीशे का बटन नीचे कर दे, नहीं कर रहा, ऊपर कर रहा है बटन, बटन दबा बटन, वो नीचे नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, शीशा खोल, शीशा शीशा खोल, शीशा शीशा कहाँ से खुलता है, बटन दबा, गाड़ी चला रहा है जी। तो भाई देखा क्या हुआ था आज का दिन। तो फिर उसके बाद मैं तो घर आ गया भाई, मुझे गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना था और दो तीन काम और थे, लेकिन मुझसे नहीं हुए, मेरी हालत ख़राब हो गई। लेकिन साहब को ज़रा सा भी टेंशन नहीं था, साहब मज़े से इंजॉय कर रहे थे गाड़ी के अंदर, एसी भी उन्होंने खुद ऑन किया है, स्टेयरिंग के साथ खेल रहे हैं। बस डर ये था कि कहीं ये गियर नॉब को अगर ये छेड़ देता ना तो मेरी हालत हो जानी थी और ज़्यादा ख़राब। खैर अल्लाह के करम से कुछ नहीं हुआ, सब बेहतर हो गया, क्योंकि फटाफट मैंने दूसरा एक डुप्लीकेट चाबी मैं घर में रखता हूँ, तो घर करीब ही था, तो मैं फटाफट अबू के हॉस्पिटल से कॉल की, लड़के को भेज के चाबी मंगवाई और चाबी मंगवा के मैंने डोर खोल लिया फौरन ही। तो भाई सफ़र के आगाज़ पे, सफ़र के ऊपर आए, तो सफ़र का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि अचानक कॉल आई हमारे एक दोस्त की के कमांडो, मेरा निकनेम है, बचपन में दोस्तों के साथ लग गया था नाम। तो असगर भाई, कमांडो भाई चलना है? कहाँ भाई? हैदराबाद। भाई हैदराबाद कौन सा बड़ा तीर मारना है यार हैदराबाद जाके, लेकिन हैदराबाद जाना कुछ ऐसे है कि बाइक पर। मेरा बड़ा दिल था एडवेंचर करने का, बड़ा शौक था, लेकिन हम ठहरे मम्मी डैडी लोग। अब बातों से मम्मी डैडी नहीं है, लेकिन हर चीज़ घर से पूछ पाछ के करते हैं। मैंने अब्बा से पूछा कि भाई हमें परमिशन देंगे, तो कहने लगे कि परमिशन किस बात की भाई, इतना दूर? अबे तुम तो अंडे और दूध लेने जाते हो तो भी हमको बता के जाते हो। मैं भी चलूँगा साथ। उफ, अब्बू चलेंगे? तो खैर अब्बू भी चले साथ। क्या हुआ, सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, तो आए फिर देखते हैं यार, टाइम ज़ाया नहीं करो, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। जी भर के जील पल लगता है आजकल, दौर अपना आएगा यारो, जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझ कल बुलाएगा। है जुनू, है जुनू सा जीने में,
ये तो भाई फुल आपके भाई ने धूम फिल्म वाली एंट्री मारी अपनी सुजुकी 150 के ऊपर। ये बाइक मेरी है और ये कुछ 3 साल पहले मैंने परचेस की थी और ये आज भी मेरे पास है। उसकी हालत इतनी बुरी है कि आपको नहीं दिखाऊंगा मैं। तो कुछ इस तरह से आपके भाई ने इंट्रो डाल दिया भाई, धासू था भैया। इस वक्त हम पहुंचे हैं गारो और सुसु वेट किया, ठीक है। बाइक रेस्ट हो रहा है, बाइक को भी शोरूम करवा रहे, थोड़ा कैफे इमरान पे रुके। तो भाई ये हम पहुंचे थे गारो और गारो पहुंचने के बाद हमने कैफे इमरान पे स्टे किया था, लेकिन वॉइस इतनी ख़राब आ रही थी, शोर इतना था, उस वक्त व्लॉगिंग का कोई मूड नहीं था, बस मोबाइल निकाला था और व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। कुछ भी कोई प्लान नहीं था कि मुझे व्लॉग करना है। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, भूला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहर समंदर पे। भैया इस वक्त हम कोटरी पहुंचे हैं, कोटरी पूरी टीम हमारे पीछे, काफी मजा आया बाइक टूर पे, अपना ही मजा हैदराबाद में मौजूद है। पूरा रास्ता बाइक पे ही आया, पूरा सफ़र बाइक पे किया है कराची से, कि मेरे बैक साइड पे ये देख सकते हैं आप। हमारे आधे ग्रुप के लोग सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे चेकिंग करवा रहे हैं और मैं। तो फिर भाई फाइनली हम कदमगा पहुंच गए थे और कदमगा पहुंचते पहुंचते कोई हमें तकरीबन 3 घंटे लगे थे। हम मलीर कायदाबाद से निकले थे नाश्ता करके सुबह 8 बजे और 3 घंटे बाद हम 3 से 3.5 घंटे लगे थे हैदराबाद पहुंचने के लिए, क्योंकि हम गए थे ठठा वाले रूट से जो नेशनल हाईवे कहलाता है, वहां से गए थे। मज़ा काफ़ी आया लेकिन मरहब वरहब कुछ भी नहीं है, अंतर वंतर कुछ भी नहीं, मरहब वरहब कुछ भी नहीं है, अंतर वंतर।
कुछ चीज़ें सूख गई थी क्योंकि मुझे बाइक चलाने मिली नहीं, और जो पीछे बंदा बैठा था वो सो जाता है। अब वो इतने लंबे सफ़र पे सोया तो नहीं, लेकिन मेरे जिस्म का एक एक पुर्जा सूख गया था। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शंकर साहब। शंकर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? यार कैसा एक्सपीरियंस रहा बाइक पे? फर्स्ट टाइम आपका तो, सेकंड टाइम था मेरा, फर्स्ट टाइम था तो आपको बताना चाहिए आपका कैसा रहा। मतलब क्या फील हुआ, कैसा रहा, क्या क्या सबसे ज़्यादा क्या मुसीबत आपको लगी? कान में नहीं होना चाहिए, कान में बताऊँ या नहीं सामने बताऊँ? हाँ सबको बताएं ताकि सब आपका एक्सपीरियंस शेयर। सच्ची में बाइक का आइडिया बहुत गलत था, सुन हो गई है मेरी, सबसे ज्यादा हवा परेशान करती है, हवा और बाइक की सीट जिसके अंदर पत्थर लगा रहे थे। हम तो हमारे साथ और बहुत से लोग गए थे, पूरा ग्रुप था हमारा, स्काउट्स का हमारा ग्रुप है, मैं स्काउट्स में भी हूँ, मीडिया सेल इंचार्ज हूँ स्काउट का, और हम स्काउट में भी हैं, और स्काउट के अंदर भी कोई तकरीबन हमारे साथ 8-10 बाइक्स थी इस ग्रुप के अंदर, लेकिन जितने भी लोग थे सबकी फट गई थी, सबकी हालत बुरी रही थी। लेकिन हाँ एडवेंचर बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन अगली बार जब भी जाऊँगा तो मैं अकेला जाऊँगा बाइक ट्रिप पे। ठीक है, तो दोस्तों अगर व्लॉग अच्छा लगा, अगर ये हमारा सफ़रनामा आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा।